बहुत सुंदर लग रहा है सर, बहुत सुंदर लग रहा है। एकदम धजिया उड़ा दी है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज वंश एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज है ट्यूसडे, सो इवनिंग का टाइम है और मैं जा रहा हूँ करोल बाग मार्केट। बाकी करोल बाग मैं क्यों जा रहा हूँ आपको पता ही है, कोई ना कोई एक्सेसरीज वगैरह लेनी होगी या तो कुछ बाइक में काम करवाना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा, बट काम की जो डिटेल है कि मैं किस लिए जा रहा हूँ वो मैं आपको करोल बाग पहुँच के ही बताऊँगा कि मैं करोल बाग क्यों जा रहा हूँ। बाकी ट्रैफिक काफ़ी दिख रहा है मुझे अभी आगे, और होपफुली ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, मतलब मैं इजीली निकल जाऊं। 6:45 हो रहे हैं और सूर्य देवता की गर्मी अभी भी बरकरार है, लेकिन बस राइड करने के लिए अच्छा है। तो सामने क्या बढ़िया फाउंटेन है, मतलब आप देख सकते हो कितना अच्छा फाउंटेन है ये, और मुझे तो बड़ा प्यारा ही लग रहा है। इसके गोल चक्कर काटते हुए निकलेंगे अपन। तो देखिए क्या प्यारा फाउंटेन है ये, वाटर फाउंटेन। तो मैं अभी आया हूँ बग्गा लिंक बजाज के बगल में ही हूँ अभी, और मतलब एक साल पहले की बात है कि मैंने इस शोरूम से इस बाइक को लेके आया था, जो कि मेरी KTM RC 200 की जो डिलीवरी वीडियो है वो आपने देखी होगी पहले। तो यहीं से मैं लेके आया था अपनी बाइक को, और यहीं मैंने मंदिर के आगे लगाई थी, जो कि इसकी पूजा करवाई थी मैंने। अभी भी पूजा हो रखी है गाड़ी की, जो कि 7th of April को मैंने करवाई थी इसकी पूजा दोबारा एक बार, और वो वीडियो भी आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो उसका भी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या तो आई बटन में डाल दूंगा, आप इजीली जाके वो भी देख सकते हो। और यहीं पे मैंने अपनी बाइक लगाई हुई थी उस टाइम पे, तो उसकी वीडियो भी जो है आपको मिल जाएगी आई बटन में। तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा मेरा मेरी इस KTM RC 200 के साथ, जो कि मेरी दिलरुबा है। और मैंने बताया आपको कि इसका मुझे नेम थोड़ा चेंज करना है, तो उस टाइम यहीं पे इसके जो पूजा हुई थी यहीं पे हुआ था। तो काफ़ी याद आती है उस पल की जब मैंने इसको लिया था। तो चलिए, जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ आ चुका हूँ, और मैं कहाँ आ चुका हूँ, बग्गा लिंक बजाज के शोरूम में। नया बाइक है ना, देखना जरूर। नया बाइक, कितना नया बाइक लग रहा है आपको बताओ? हमको तो नया ही लग रहा। फिर भी कितना? बहुत सुंदर लग रहा है सर। बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ। देखो इनको भी बाइक बहुत अच्छी लग रही है। एक महीना भाई साहब, इसको एक साल हो गया, लेकिन अच्छा मेंटेन किया। मेंटेन किया ना, अच्छा, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ पे अपने इंश्योरेंस रिन्यूअल करने के लिए, और मुझे इंश्योरेंस रिन्यूअल में अपना ऑनलाइन भी कर सकता था, तो मेरे को यहीं पे आने की, मतलब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो अब तो ऑनलाइन ज़माना है यार, ऑनलाइन करो, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें समझनी भी थी इंश्योरेंस में, जो कि हो सके मैं आप लोगों के लिए आगे और वीडियो बनाऊँ जिसमें कि इंश्योरेंस को पूरा मैं अच्छे से कवर कर सकूँ, कि क्या क्या उसमें हम कवर कर सकते हैं, जो उसमें क्लेम मिलता है किस किस चीज़ में मिलता है। इंश्योरेंस हर चीज़ को, किसी चीज़ को पता है कि इंश्योरेंस होता है, लेकिन क्या क्या क्लेम हम कर सकते हैं उसके बारे में नहीं पता। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपकी थोड़ी जानकारी लेने के बाद। ओके, तो चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में अंदर से बाहर आते हुए। ओके बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों, मेरा काम हो चुका है यहाँ से फाइनल, और मेरा जो इंश्योरेंस है वो अभी रिन्यू हो चुका है, और इसके साथ ही आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें मैंने पूछी हैं और क्या क्या उन्होंने बताया है। तो जो भी है
वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा, नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और करोल बाग मार्केट ये है सामने, और यहाँ पे मुझे कुछ काम है, देखो कुछ हो सकता है, मतलब कि मुझे थोड़ा एक अपना हॉर्न ना चेंज करवाना था, मतलब दिख रहा होगा आपको, मतलब इतना अलग सा बेसुरा सा लग रहा है मुझे, थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा एक अपग्रेड करवाऊँ अपने इस हॉर्न को, जो कि एक अच्छा सा साउंड करेगा आगे चल के। और मुझे कोई शॉप पता नहीं कि मुझे किस शॉप में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ किसी भी शॉप में। हाँ जी भैया, भैया हॉर्न लगवाना था, हॉर्न मेरी KTM RC 200। कौन की आवाज़? कोई से भी लग जाएगा ना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो ये हॉर्न की चेकिंग हो रही है भैया, यहाँ चेकिंग कर रहे हैं हॉर्न की, सो देखते कौन सा पावरफुल है, उसके बाद जाके लगाते हैं। ये आएंगे 550 के 3 महीने गारंटी के साथ। ये 550 के 3 महीने की गारंटी के साथ? दो पीस है, दो पीस है, मतलब एक साथ दो आते हैं, एक साथ दो आते हैं। ये 300 रुपए के दो है, ये 300 के दो है, ये 400 रुपए के दो है, 400 के दो। ये बुलेट में जो लगते हैं बुल होते हैं, 580 के दो, 580 के दो। ये तीनों मिंडा के, तो दोस्तों इनकी साउंड सुन लेते हैं एक बार, आपने प्राइसिंग तो सुन ही ली है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कान फट जाएंगे इनको सुन के तो भाई। और ये सबसे कम प्राइस वाले हैं, ये दिखने में भी थोड़े कम है। हाँ जी, अच्छा पल्सर में जो लग के आते हैं ना, अच्छा अच्छा ओके। ये आमतौर में बुलेट्स हैवी बाइक्स जैसे आपकी कंट्री मार्केट, तो उन इसमें क्या कुछ अलग ही होता है साउंड? फटती नहीं है साउंड, जैसे सब इसमें सबसे फट रही है ना, हाँ हाँ फटती नहीं है, मंडा में फटती नहीं है, कॉमन में हैं गाड़ी वही है, जबकि रोज चलती है। वो तक नहीं हो, मैं शौक होता है ना महंगी गाड़ियों को उड़ा देते, ऐसे ऐसे लड़के देखे जो KTM को एकदम धजिया उड़ा दिए। तो एक बार जो ये बुल वाले हैं इसको भी ट्राई करते हैं, इस पर सुनते हैं इसकी आवाज़, तो उसके बाद मैं फाइनल करता हूँ कि मुझे कौन सा लगाना है। रिले भी लगाना पड़ेगा ताकि आपकी बैटरी पे लोड ना पड़े, ओरिजिनल रिले होता है ऑन कटआउट, ताकि आपकी बैटरी पे लोड ना पड़ पाए। अच्छा अच्छा, 1 hour later। तो दोस्तों मेरा जो काम है वो प्रॉपर हो चुका है, पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है काम मेरा, और अब मैं जा रहा हूँ अपने वापस घर, और अभी मैं करोल बाग में हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है फिलहाल 8:30 हो रहे हैं, मतलब कि लग गया पूरा 1.5 घंटा लग गया पूरा इस काम में, क्योंकि पूरी फेयरिंग ओपन करनी पड़ी बाइक की, जो फेयरिंग होती है जो मेरे लेफ्ट साइड की फेयरिंग है वो पूरी ओपन करनी पड़ी, देन उसके बाद उसको लगाना पड़ा। वैसे तो KTM में आता है एक सिंगल हॉर्न आता है, तो आप डबल हॉर्न लगाए, एक लो एंड एक हाई, सो साउंड तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो थी, मतलब कि जो मेरे को हॉर्न पड़ा उसके साथ जो उसकी वायरिंग वगैरह थी, वो मेरे को पड़ी टोटल 600 रुपये की, और बाकी 150 रुपये लेबर चार्जिंग लगी, और जो कि जायज़ भी थी, मतलब पूरी फ्रेमिंग खोलनी पड़ी थी और उनको काफ़ी मेहनत भी लगी, उनकी काफ़ी मेहनत भी लगी, सो वर्थ है और अच्छा लगा, मतलब नया एक थोड़ा चेंज हुआ अपनी दिलदुबा में। मतलब आप देख रहे हो ना इस हॉर्न का कमाल, मतलब कि सामने स्कूटी जा रही थी और वो मतलब डर गया बेचारा। इंडिया गेट कितना प्यारा लग रहा है।
आप लोगों को जो आज की जो मेरी ये वीडियो है वो पसंद आई होगी। आज क्या जहाँ से मैंने अपनी KTM बाइक ली थी एक साल पहले, और उधर मैं जाके अपना इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाया, देन उसके बाद मैंने उनसे एक सारे क्वेश्चन किए जो मेरे मन के अंदर थे कि एक कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्लेम कर सकते हैं। और जहाँ से आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो उधर पहले तो अगर मैं ऑनलाइन भी ले सकता था, लेकिन ऑनलाइन में फिर वही है कि समझाने वाला कोई अच्छे से नहीं था, तो इसलिए मैं अपनी ये बाइक ली थी तो मैं वहीं गया था और उधर से मैंने अच्छे से कंफर्म कर लिया। हर चीज़ बताई मेरे को, ईच एंड एवरीथिंग, जो जो चीज़ें मैंने पूछी उन्होंने सब चीज़ बताई, इनफैक्ट इससे अलग भी। और इसके साथ ही जो मैंने अपनी बाइक पे हॉर्न लगाया, फिर आपको बता दिया था कि मेरा कितना खर्चा हुआ है टोटल। तो आगे मुझे काफ़ी ट्रैफिक मिलने वाला है, सो इन शीशों को बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे दिलरुबा के जो कान हैं इनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। ट्रैफिक मिलने के बाद और थोड़ी मेरी दिलरुबा हॉट होने के बाद ये काफ़ी गरम गरम हवा फेंक रही है बाहर। तो दोस्तों आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखिए इधर मैंने अभी सिर्फ ओनली इसमें 2 लीटर पेट्रोल भरवाया है और इसमें देखिए कितना ऊपर बता दिया।